नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इन न्यूज टॉपिक। आज का हमारा इन न्यूज टॉपिक है सेबी की नई चेयरपर्सन बनी माधवी पुरी भुज। नियुक्ति के साथ ही बनाया यह इतिहास। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के बहुप्रतीक्षित IPO से पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी में बड़ा बदलाव किया गया है। माधवी पुरी भुज को सेबी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। पुरी यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। वह अजय त्यागी की जगह लेंगी जिनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में इस पद के लिए आवेदन मंगाए थे जिसकी अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2021 थी। हिमाचल कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी त्यागी को 1 मार्च 2017 को 3 साल के लिए सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया था। उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। अगस्त 2020 में फिर उन्हें 18 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। माधवी पुरी सेबी की पुण्यकालीन सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2018 तक यह पद संभाला था। LIC ने IPO के लिए इस महीने सेबी के पास मसौदा दस्तावेज भी जमा कराए थे। पुरी को 3 साल के लिए सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है। पहली बार प्राइवेट सेक्टर के किसी व्यक्ति को सेबी की कमान सौंपी गई है। माधवी पुरी ने अपने करियर की शुरुआत ICICI बैंक से की थी। फरवरी 2009 से मई 2011 तक ICICI सिक्योरिटीज की MD और CEO रही थी। 2011 में उन्होंने सिंगापुर में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल LLP ज्वाइन की थी। उनके पास फाइनेंशियल मार्केट का 3 दशक से भी लंबा अनुभव है। सेबी में पुण्यकालीन सदस्य के तौर पर उन्होंने सर्विलांस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे पोर्टफोलियोज हैंडल किए हैं। सेबी में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें 7 सदस्यों वाले एक्सपर्ट ग्रुप का प्रमुख बनाया गया। इसका मकसद सेबी को इन हाउस टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजाइन में मदद करना था। सेबी से पहले वह चीन की संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंसल्टेंट थी। IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वे 1989 में ICICI बैंक से जुड़ी थी। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में स्नातक किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन न्यूज टॉपिक।